जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस होती है, एक बार एक दिल्ली में आदमी था, उसने मजाक मजाक में ही लिक्विड नाइट्रोजन गैस को पी लिया। तो गाइस जानते हो उसके बाद क्या हुआ, उसके पेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा छेद हो जाता है। लेकिन गाइस सबसे खुशखबरी वाली बात यह है कि वो आदमी बच जाता है, वो मरता नहीं है। तो गाइस आप लोग तो लिक्विड नाइट्रोजन का नाम सुने ही होंगे। गाइस जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो होती है एक गैस होती है, और गाइस उसको लिक्विड के रूप में इसलिए रखा जाता है कि ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको बहुत ही आसानी से ले जा सके। इसलिए गाइस लिक्विड नाइट्रोजन को लिक्विड के रूप में रखा जाता है। अगर गाइस उसको लिक्विड के रूप में नहीं रखा जाता तो उसको गाइस सिलेंडर में रखा जाता है, जिस पर ऑक्सीजन को रखा जाता है। और गाइस इसको आप लोग को लेने के लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है, तभी आपको लिक्विड नाइट्रोजन गैस मिलेगी, इस तरह नहीं मिलेगी। गाइस आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि गाइस हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डालेंगे 9 वोल्ट की बैटरी को। अब गाइस जो 9 वोल्ट की बैटरी होती है, इससे तो हम लोगों ने बचपन में बहुत खेला है। गाइस हम लोग इससे छोटे छोटे बल्ब को जलाते थे, या फिर गाइस हम लोग इससे डीसी मोटर को जलाते थे, क्योंकि गाइस उस समय हमको ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता था। और देखिए क्या हुआ जब मैं लिक्विड नाइट्रोजन में एक 9 वाट की बैटरी को डाला तो। हाँ गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब मैंने 9 वोल्ट की बैटरी को लिक्विड नाइट्रोजन में डाला तो गाइस कुछ समय तक वो बैटरी ठीक रहती है, लेकिन गाइस जैसे ही कुछ समय के पश्चात जो मोटर होती है घूमना बंद कर देती है, क्योंकि गाइस जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वह बैटरी के अंदर चली जाती है, जिससे बैटरी कार्य करना बंद कर देती है। अगर गाइस कुछ समय पश्चात उस बैटरी को आप लोग गर्म करके फिर से चालू करेंगे तो गाइस वो मोटर लगेगी चलने। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? अगर गाइस आपको आज का हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे अगले और किसी वीडियो में और किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ।